सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं मीनाक्षी गोस्वामी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। और आज का ब्लॉग करते हैं हम दुकान से स्टार्ट। सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं शॉप पर आ चुकी हूँ। और अभी तक मेरे हस्बैंड थे शॉप पर, अब वो चले गए हैं क्योंकि उन्हें कल जाना है बाहर। तो वो थोड़ा सा चीज़ का सामान लेने के लिए गए हैं दुकान के लिए अपने वहाँ, और कल वो यहाँ से सामान लेके जाएंगे देहरादून। और कल मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, हम लोगों ने वहाँ घर पर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। रात हम लोग 11-12 बजे तक उठे रहे, हमने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया घर में, हमें बहुत मज़ा आया। और वो परसों आ गए थे तो कल उनका बर्थडे था और हमने बर्थडे सेलिब्रेट बहुत अच्छे से किया बर्थडे उनका, और हमें बहुत अच्छा लगा। अब वो कल जाने के लिए कह रहे हैं, कल चले जाएंगे। और मैं आ गई हूँ शॉप पर। शॉप पर मुझे बहुत सारा काम करना है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने इस वाले शोकेस की सफाई की है, ये सारा शोकेस इधर से, ये सारे हाईलाइट वगैरह पिच मिल्क वगैरह सब लगाए हैं। इस सारे शोकेस की मैंने सफाई की है आज सुबह, पहले मैंने आके यही काम किया। और अभी बहुत सा काम ऐसा है जो मेरा काम अभी रह रहा है, फिर मैंने सोचा थोड़ा सा मैं ब्लॉग भी बना लेती हूँ और काम भी होता रहेगा, क्योंकि फिर कस्टमर आने लगेंगे, फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि शादी का सीज़न चल रहा है ना, तो फिर भाड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है दिन में। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग में भी बना लेती हूँ। और फ्रेंड्स, अब मुझे जाना है थोड़े दिनों में घूमने के लिए। मैं जाऊँगी दिसंबर के महीने में, मेरे हस्बैंड कह रहे थे मैं दिसंबर में आऊँगा घर, और दिसंबर लास्ट हम जाएंगे घूमने के लिए। तो मैं घूमने के लिए जाऊँगी मम्मी के यहाँ, हमारे गढ़वाल में मैं जाती हूँ हर साल देवी के दर्शन के लिए। वो मेरे मायके की देवी है, मैठणा खाल भगवती और भूमखाल की कलिंका। तो मैं हमेशा उनके लिए, उनके दर्शन के लिए ना, जब से मेरी शादी भी है मैं हमेशा जाती हूँ वहाँ। मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों ही जाते हैं। और हम ना वहाँ बाइक से जाते हैं, वहाँ ना कहीं कहीं रास्तों में ना बर्फ़ भी गिरी होती है, बहुत अच्छा लगता है बर्फ़ में जाना। और ठंडा ठंडा मौसम बहुत ही प्यारा लगता है, और धूप तो बहुत ही खिली होती है, ठंड का ना इतना महसूस नहीं होता है वहाँ। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला मुझे कब लेके जाओगे, और पहले हम मतलब दिसंबर के फर्स्ट में ही चले जाते थे, अब थोड़ा सा काम ऐसा पड़ गया है कि उन्होंने भी अपना दूसरा काम डाल लिया है, तो उन्हें अपना वो वाला काम भी देखना है। वहाँ से भी फ़ोन आ रहा था कि कब आओगे आप सर, यहाँ ये ख़त्म हो गया वो ख़त्म हो गया, तो उन्हें कल जाना है। और फिर मेरी दुकान भी है, मैं सोच रही हूँ बच्चों की छुट्टी पड़ जाए तो हम एक हफ्ते के लिए घूमने के लिए चले जाएँ। तो हम ना वहाँ पर हर साल जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ ना बहुत मज़ा आता है हमें। तो फ्रेंड्स, अब मुझे बहुत सारा काम करना है। दुकान में सारा सामान इस तरह से फैला हुआ है, ये जो सामान देख रहे हो आप, ये सारा सामान मुझे एडजस्ट करके यहाँ लगाना है। अब वो हमारा मंदिर है, दुकान का मंदिर, और दुर्गा जी बैठी हुई है वहाँ सामने। मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा बड़ा करके, वो हमारा दुर्गा जी का मंदिर है, वहाँ पे हम पूजा करते हैं। मंदिर बनाया हुआ है ये जी इस तरह से। और आज मुझे ना ये वाला शोकेस सारा साफ करना है, ऊपर से और नीचे तक का। इसमें मैंने कल जो मैं माल लेके आई हूँ ना, मेरे हस्बैंड में गए थे हम सामान लेने गए थे, तो वो मैं सामान लेके आई हूँ। सामान मुझे ना यहाँ अच्छे से लगाना है, सारा फेस पाउडर वगैरह, ये सारे फाउंडेशन वगैरह अच्छे से लगाने हैं सबको, एक इधर को एक इधर रखा, तो इन्हें अच्छे से करना है साफ, क्लियर करना है। मुझे ये वाला सोके साफ़ करना है, और ये वाला तो हमने जैसे आपसे बताया, ये वाला तो हमने कर ही दिया साफ, बस आज ये वाला साफ करना है। और साथ साथ कस्टमर आएंगे तो उनको भी हैंडल करना है, कस्टमरों को भी। तो अब हस्बैंड भी तो गए हैं सामान लेने के लिए, पूरी शॉप पर मैं अकेली हूँ, और अभी कस्टमरों का टाइम भी नहीं हुआ। कस्टमर भी अब 11 बजे से स्टार्ट होते हैं ना, और शाम तक रहते ही हैं। तो हम आपसे मिलते हैं अभी जब मेरे हस्बैंड जी आएंगे, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। आ गए हैं स्वामी जी अब दुकान पर,
और लगे हैं मोबाइल पे। हो गया काम तुम्हारा? जा रहे हो? कब तक होगा? आंटी नमस्ते। नमस्ते प्यार, कैसे हो? आंटी रबर चाहिए थी। कैसे? अच्छी वाली सर में रबर, मतलब बारीक में, मोटे में? मोटे में। मोटे में तो एक तो ये वाली क्वालिटी होगी। हम्म, इसलिए मोटी ना चाहिए। एक बटे ये वाली आएगी। ये कुछ लेके आंटी? ये वाली तो 5, ये 10। ये वाली 2 दे दीजिए। ठीक है। ये वाली नहीं आंटी, ये तो वैसी है थोड़ी सी, ये सही रहे, ये वाली सही है। ये वाली सही है, ये भी है। लेकिन तो ये सब मतलब एक ही रेंज में? हाँ, 5 में ही। दुकान में मोबाइल देखने आए हो? पता किया तुमने क्या सामान का? सोचना है महंगा है वहां से। अच्छा जी, तुम तो खुले में 32 रुपए किलो है, यहाँ पेटी में 32-33 रुपए किलो है। अच्छा, पूरे बंडल थैला लेंगे, इससे तो हम थैला लेंगे और सस्ता पड़ेगा। जगह पता करा? दो जगह करा, दोनों जगह। वैसे न्यू टर्बो, नया टर्बो जो कि हम इसमें चेंज करने वाले हैं, कंप्लीट टर्बो। ला 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 जा रहे हो तुम? रुक जाना, उसका फोन में लग, फोन कर रहा है, चलो फोन ही नहीं उठा रहा है वो उठाएगा भी नहीं फोन। फोन उठाएगा मैडम, वो फोन होगा उसका घर पे, वो गया होगा मंडी। उसने ऐसे बोला था मुझे, तो वो ऐसा करने का ना, तो घर में कोई तो उठाता फोन, क्या पता उसकी वाइफ भी कहीं काम वाम पे लगी होगी किसी बाहर वाहर की। तो बजने वाला बजने वाला तुम्हारा कोई भी काम नहीं हो रखा है? मैं पूछेगा तो पता कर आऊँ, वो मैंने दे रखा है वहाँ देखने के लिए, चेक करने के लिए। रो रहा था क्या चीज? अच्छा अच्छा गए अब। कस्टमर बहुत थे और मुझे टाइम नहीं मिल पाया ब्लॉग बनाने का, तो अब आज मैं दिन में घर भी नहीं गई थी, और आज मेरे ये केनू मेनू मेरे पास पहुंच गए हैं तीनों। हे फ्रेंड्स, हाय सोनू, हाय सोनू, और ये आरुषि क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे। क्यों आए आप शॉप पर? बैग लेने। बैग लेने। अच्छा, और फ्रेंड्स मैंने आपसे बताया था मैं आज यहाँ की सफाई करूंगी, तो हमने ये शोकेस कर दिया है बिल्कुल साफ एकदम। और अब गौरव आया है, गौरव ने ये 2 लाइन साफ कर दी है इधर की, अब उधर का कर रहा है। और आज का ब्लॉग करते हैं हम यहीं पे समाप्त, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा बाय। मम्मा मुझे पूछ।